अगर 11 लाख रुपए भी खर्च दोगे ना, उसके बावजूद अभी एक खर्चा जो मेरा रिसेंटली हुआ है वो हुआ है, ये बता रहा हूँ, ये टस से मस नहीं हो रहा था, ये है एक्सप्लोर ब्रांड का। बहुत ध्यान रखना बिकॉज इसमें हाथ कटने का बहुत ज्यादा डर रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर खराब हो गई तो बहुत महंगा फटका पड़ता है बॉस। तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, उसकी साफ सफाई का, उसकी चेन क्लीनिंग का, उसकी चेन लूप का। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, एक सुपर बाइक ओन करने के बाद अगर 11 लाख रुपए भी खर्च दोगे ना, उसके बावजूद आपको इन बाइक्स में मिडिल स्टैंड तक नहीं देखने को मिलता। अब वो फॉर सम रीजन, बिकॉज मिडिल स्टैंड का कोई काम नहीं होता एक सुपर बाइक के अंदर। जो भी कोई सुपर बाइक खरीद रहा है वो खाली ये ना सोचे कि बाइक खाली 11 लाख रुपए की है, 11 लाख रुपए की नहीं है, अभी इसके ऊपर लाखों के खर्चे पेंडिंग है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अभी एक खर्चा जो मेरा रिसेंटली हुआ है वो हुआ है ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, इट्स अ पैडॉक स्टैंड, जो कि नॉर्मली सब लोग नहीं खरीदते लेकिन सुपर बाइक वाले जरूर से जरूर खरीदते हैं। बिकॉज अगर आप लोग घर पे चेन क्लीन करते हो, घर पे चेन लूप करते हो, अपनी बाइक का ख्याल रखते हो, तो आपको एक पैडॉक स्टैंड इज अ मस्ट नीडेड। अगर आपकी बाइक बहुत टाइम तक खड़ी रहती है लाइक मी, मतलब मेरी बाइक की तरह इसकी तरह, तो इसीलिए आप लोग को एक पैडॉक स्टैंड जरूर खरीदना चाहिए। बिकॉज काफी टाइम तक, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अपनी बाइक को खड़ा रख रहे हो तो इसके ऊपर नहीं खड़ा रखते, आपको एक पैडॉक स्टैंड चाहिए ही होता है। सो फॉर दिस मैंने परचेज किया है रिसेंटली ये वाला पैडॉक स्टैंड, जो कि मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर करा है, एंड ये मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन पहले आ गया था, लेकिन मैंने अब तक इसको अनपैक तक नहीं करा। मतलब देख रहे हो मेरा पेशेंस लेवल, कि मैंने सोचा था कि इसको वीडियो में आप लोग के सामने ही अनबॉक्स करूंगा, अनपैक करूंगा, आई एम सॉरी। अब इसको अनपैक करते हैं, टेस्ट करते हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी देखते हैं। अगर आप लोग को भी मंगाना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कितने का है क्या है एक बारी लिंक खोल के देखो, जाकर चेक करो। अमेजोन से मंगाया है, क्वालिटी अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टेबल है, बहुत सुपीरियर है, लेकिन लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा बाइक के ऊपर। ये कैमरे के पीछे की जो मेहनत थी ना, ये वाली नहीं जो मैंने अनपैक करा, वो कोई मैं वो वाली मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब मैंने इसको खोला तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि एक जो स्क्रू है जो मैंने संभाल के रखा हुआ था इस पैडॉक स्टैंड को लगाने के लिए ना, आप पहले ये देख लो कि कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये पैडॉक स्टैंड। और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। एक बंदे ने अपनी निंजा 1000 SX लगा रखी थी, तो बहुत हैवी बाइक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसने मेरी बाइक भी बहुत इजीली संभाल ली। मैंने एक बार इसको ऑलरेडी लगा के टेस्ट कर लिया है, मैंने इसको अकेले उतारा, अकेले लगाया। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो ब्रांड है जिसका ये पैडॉक स्टैंड है, ये है एक्सप्लोर ब्रांड का और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसके नीचे आपको 4 टायर देखने को मिलते हैं जिससे आप इजीली इसको उतार या चढ़ा सकते हो, और ये 2 रबर के पैड्स मिलते हैं जो कि नीचे जमीन पर टिक जाते हैं। ये रबड़ है, पता नहीं प्लास्टिक है। व्हील काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, सब नट्स वगैरह काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, और तो ये शाइनी ब्लैक है, ये एकदम मैच कर रहा है मेरी बाइक के साथ, इतना ज्यादा पता नहीं लग रहा कि हाँ मतलब अलग से कुछ ना कुछ इसके ऊपर लगा हुआ है। बहुत ज्यादा स्टेबल है, जब मैंने इसको लगाया था लिटरली बता रहा हूँ ये टस से मस नहीं हो रहा था, एकदम बढ़िया बैलेंस पे है। वरना क्या होता है, और ऐसे रेट में आप जो भी पैडॉक स्टैंड लोगे ना, वो या तो बहुत लो क्वालिटी होंगे या तो उसके अंदर ना एक इम्बैलेंस होगा, मतलब वो इधर उधर की तरफ हिलेंगे। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट बहुत स्टेडी है, बहुत अच्छा है, और एंड सीरियसली बता रहा हूँ ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं जेन्युइनली जिस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा होता है, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। अभी एक बार क्या करते हैं, इस पर इसको लगा कर देखते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना स्टेबल है, कितना स्टेडी है, और आप इसको अकेले भी लगा सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी के साथ ही लगाओ। इसको लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये 2 स्क्रू लगाने पड़ते हैं, मेरे पास ये वाले थे, और एक इस साइड भी लगाना है। तो दोनों तरफ सबसे पहले इसको अलाइन कर लो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी के साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अकेले कर रहे हो तो उसके लिए ये वाला गाइड है। दोनों जगह एक बार अच्छे से अलाइन कर लो, अगर कॉन्फिडेंस हो तभी करना, दोबारा ऑन कर रहा हूँ। और ये अपनी बाइक को उठाकर, बहुत भारी बाइक है, बारी इसको रीचेक कर लो कि ढंग से अलाइन है या नहीं, और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब ये टिक गई है, अब ये इजीली टिक जाएगा, एक बहुत ही सिंपल स्टेप करना है आपको, इसको नीचे की तरफ दबाना है और बहुत जल्दी करना है ये वाला स्टेप, अगर इसमें लेट करो तो बाइक इधर उधर गिर सकती है, और स्टैंड बिल्कुल भी मत हटाना। अब देखो ये 1 2 3 तो बहुत ही इजीली कुछ स्टेप्स के अंदर ही हमारी बाइक पैडॉक स्टैंड के ऊपर लग चुकी है, वो भी अपने आप, किसी और बंदे की जरूरत भी नहीं पड़ी। बिकॉज ऐसा बहुत बार हो जाता है कि कोई नहीं होता लगाने वाला, तो उसमें आप लोग क्या करोगे, इसीलिए मैंने एक बार ये चीज करके देख ली, वरना मैं खुद रिकमेंड नहीं करता। अब जो हमारी बाइक पैडॉक स्टैंड के ऊपर लग चुकी है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, एक बार ये देखो ये बाइक ऐसे ऐसे हिल तक नहीं रही है अपनी जगह, बिल्कुल स्टेबल है, पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे को इसके ऊपर, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसीलिए सर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्लीन करने वाले हैं हमारी बाइक की चेन, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर खराब हो गई तो बहुत महंगा फटका पड़ता है बॉस।
ऑलराइट, सो मेरे पास ही दो प्रोडक्ट हैं, एक्चुअली तीन प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी बाइक की चेन क्लीन करने के लिए. एक है क्लीनर, एक है चेन लूब और एक है ब्रश. अब इसमें क्या होता है, एक साइड तो ये नॉर्मल ब्रश है और एक साइड ये आपकी चेन को पकड़ लेता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है. ये कोई सॉफ्ट ब्रश नहीं है, बहुत ही हार्ड मटेरियल का ब्रश है, लेकिन बहुत ध्यान रखना बिकॉज इसमें हाथ कटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है. ये काम करने से पहले अपनी बाइक के नीचे पेपर बिछाना मत भूलना, वरना नीचे पूरा गंदा होने वाला है. अगर वाइट मार्बल है जैसे कि ये है तो बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है, इसलिए पेपर पहले बिछा लेना वरना मम्मी से गाली खाओगे. स्टार्ट करके सिर्फ ऐसे ब्रश मार के छोड़ना नहीं है, एक बार बाइक को ऑफ करने के बाद भी बाइक की चेन को अच्छे से क्लीन करना है, हाथों से टायर घुमा घुमा के. तो बस काफी सारे कोट मारने पड़ते हैं, एक कोट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा गंदी होती है बिकॉज आपकी चेन. अब लोगों ने ये चीज़ तो देख ली कि हमने इस बाइक को पैडॉक स्टैंड से अकेले इसके ऊपर चढ़ाया कैसे, लेकिन अब इसको उतारना कैसे एक बारी वो भी चीज़ देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक बार उतरते हुए ये गिर गई तो भाई नुकसान. सो इन मोस्ट ऑफ द बाइक्स क्या होता है, आपकी ना ये रेयर सीट पर एक ग्रैब हैंडल दिया होता है, और स्पोर्ट्स बाइक में तो दिया ही दिया होता है. मेरी जीनोसो में है तो इसलिए मैं एक इसको ग्रैब करके रखता हूँ, या तो मैं इस पार्ट को पकड़ के रखूंगा बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग है. तो और क्या करना है, एक हाथ से आपको ये पकड़नी है, अपनी बाइक पकड़नी है किसी भी तरह, और एक हाथ से आपको ये पैडॉक स्टैंड पकड़ना है. लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी स्टेप है, अपना ये जो स्टैंड है इस स्टैंड को आप नीचे करके रखो, ताकि अगर इन केस बाइक इस तरफ गिरती है और आपको छोड़नी है, जो कि ऑब्वियसली आपको छोड़नी है, तो बाइक सीधा स्टैंड पर आकर टिके, नीचे ना गिरे सीधा. ये हमने पकड़ी बाइक, हैंडल हमने इस तरफ ही मोड़ा है, जैसे हम उसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे, हम हैंडल को इस तरफ मोड़ेंगे. अपनी बाइक पकड़ी, पैडॉक स्टैंड पकड़ा, धीरे धीरे करके इसको उठाया, और एकदम से नहीं छोड़ना, कंट्रोल रखना है ये, और बाइक को स्टैंड पे टिका दिया. दैट्स इट. इतना सिंपल होता है एक पैडॉक स्टैंड को हटाना अपनी बाइक के ऊपर से और उसको एक नॉर्मल स्टैंड पर खड़ा करना, इतना इजी स्टेप होता है, लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ता है. सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पैडॉक स्टैंड कहाँ से परचेज कर सकते हो, या आप अमेजोन से खरीद सकते हो. उसका बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर चेक करना. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे और इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी क्वालिटी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. हम मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय. के लिए भी एकदम परफेक्ट है, मतलब कि टेस्ट कर लिया है मैंने, इसको अकेले उतारा, अकेले लगाया, यार अभी तक शांति थी भाई. घर में रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है.